फ्रेंड्स, मेरा पूजा वूजा हो गया तो अब चलते हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? तो आज है महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की आपको सब आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं रूम में पूजा कर ली हूँ और नहा धोकर बस आई हूँ और पूजा भी कर ली हूँ और मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी होने के बाद कहाँ जा रही हूँ, कौन से मंदिर में जा रही हूँ, तो चलिए मैं देखा रेडी हो गई। तो आज का कुछ मेरा ऐसा आउटफिट है, आप देख सकते हैं। तो आज का कुछ मेरा ऐसा आउटफिट है, तो चलिए कौन से मंदिर में जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। सो फाइनली मैं रूम से निकल गई हूँ, अब बस चलते हैं। मंदिर आ गए, ये देखिए मेरा मंदिर और जो हमारा प्रसाद है वो रेडी हो रहा है। यहाँ आपका 70 रुपया हो गया भैया, हो गया। अब प्रसाद इसमें इलायची दाना वगैरह सब डाल दिए, और आपको अलग से नारियल वगैरह चढ़ाना है तो आप ले लीजिए, दे दीजिए ना। फाइनली मंदिर पहुँच चुका है और ये देखिए हमारा मंदिर। पूजा वूजा हो गया तो अब चलते हैं। करने के बाद हम लोग आ गए नाश्ता करने, तो नाश्ता मैं नहीं करूँगी, मेरे मित्रगण करेंगे। तो ये रहा नाश्ता, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा फास्टिंग। चलिए नाश्ता करने के बाद मिलते हैं, मतलब तो हम लोग यहीं पे नाश्ता कर रहे हैं, काफ़ी टेस्टी मिलता है। तो जिनको भी नाश्ता करना है आप यहाँ पर आ सकते हो, जो भी अभी फ़िलहाल रांची में रह रहे हैं। सौरभ नाश्ता साउथ इंडियन मीनू। फाइनली मैं रूम में पूजा वूजा करके आ गई, तो चलिए मैं थोड़ा सा दोपहर का खाना भी बना लेती हूँ और मिलते हैं अब शाम को। देखते हैं कुछ स्पेशल होगा या फिर कुछ और मंदिर वगैरह घूमेंगे तो दिखाएंगे आप सब। सो फाइनली मैं शाम के लिए रेडी हो गई हूँ, तो चलिए घूमते हैं शाम में, क्योंकि शाम में घूमने में थोड़ा मज़ा आएगा। थोड़ा मंदिर का डेकोरेशन वगैरह देख लेते हैं क्या है, और आप सबको भी दिखा दूँ। गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का नज़ारा है। महाशिवरात्रि का मेरा जो ब्लॉग है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।